पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के आरएसएस और तालिबान वाले बयान को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह की जीभ ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उमा भारती ने कहा, दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा से लाखों मतों से चुनाव हारे हैं, फिर भी सीख नहीं ले रहे। उमा भारती सीहोर में गणेश मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दिग्विजय सिंह के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की बदजुबानी की वजह से उनसे हिंदू और मुसलमान दोनों नफरत करते हैं। दिग्विजय सिंह की जीभ ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दिग्विजय सिंह का और कोई दुश्मन नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह से चुनाव हारने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आया है, उन्होंने कोई सीख नहीं ली है। अफगानिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि भाग्य की बात है कि जिस समय तालिबानी आए उस समय भारत में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं। तालिबान संकट का देश में कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि देश का नेतृत्व मोदी जैसे मजबूत नेता के हाथों में है। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा कि ओवैसी से देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही नुकसान हो रहा है। ओवैसी को समझना चाहिए कि उनके पिता की तरह वे बने, बांटने की राजनीति ना करें। मैं क्या बताऊं आपको, बताऊं, दिग्विजय सिंह का कोई दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन उनकी जीभ है खुद, और उनकी जीभ इतनी ख़राब है, वो ऐसी बातें बोलते हैं। वो साध्वी प्रज्ञा सिंह से चुनाव हारे हैं, लाखों मतों से चुनाव हारे हैं, फिर भी उन्होंने सबक नहीं सीखा कि उनकी इसी बदजवानी के कारण उनसे पूरे देश हिंदू मुसलमान सब नफरत करते हैं, इसी बदजवानी के कारण। और मैं आज भी उनको कहूंगी, दादा भाई है वो हमारे के भाई, जरा अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लो आप, बस बाकी सब ठीक है भैया। आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। दिग्विजय सिंह की जीभ ही उनकी सबसे बड़ी शत्रु है। एक ऐसा समय जब भारत में एक सक्षम प्रधानमंत्री, मैं इसको भगवान की दया मानती हूँ कि जब अफगानिस्तान के बुरे दिन आए, जो भारत के लिए भी एक चेतावनी हो सकते थे, लेकिन मोदी जी जैसे सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री जी के होते हुए हमको किसी भी बात की चिंता करनी होगी। और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आपके पिताजी बहुत मजबूत नेता रहे हैं हैदराबाद सिकंदराबाद के, आप भी उसी राह पर चलिए। आप देश को कमजोर नहीं कर रहे हैं, आप मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं। हाय, अच्छा मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज्ड पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण, परियोजना उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।